हमने तो ये देखा जिस तरह भी पैर धरती में उसके टिक रहे, एनू खाटों पर हाथ धरे उसके दोनों, धरती में पैर उसके खाट के ऊपर बैठा जनू इस तरह पुलिस वाले थे धमकी देवा भी कहते अंदर डाल देंगे, इतने क्यों बोल रहे हो, रो क्यों रहे हो, जिसका बेटा मर गया जी हम रो भी नहीं। भिवानी अंचल में आपका स्वागत है। भिवानी के बैंक कॉलोनी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, ये मामला सुसाइड का बताया गया है। फिलहाल फांसी पर लटका हुआ पुलिस को पाया गया है, हालांकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसको मारा गया है और वो मृतक एक महिला के साथ पिछले करीब 6 माह से रह रहा था। परिजनों का आरोप है कि वो महिला बहला फुसला करके इसको लेकर के फांसी से भिवानी लेकर के आई थी और इससे पहले भी वो 2 पतियों को छोड़ चुकी है। परिजनों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, आइए हम सुनवाते हैं। बोलते हैं जी हमको, हम गरीब आदमी रोए तो गए, हमारा बेटा नहीं गया, हमारा भाई नहीं गया, एक ही लड़का था लिखा। पुलिस वाले हमको अंदर करते हैं, हमें कहते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, हमें मारने की धमकी देते, अंदर गिरने की धमकी देते, पुलिस वाले इंतजाम नहीं करते जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? आशित आए हैं जी, दिग्दीश कॉलोनी से। क्या नाम है? सत्यमान। क्या मामला क्या है? ये हमारे काम करने लिए आए थे मंडी में, हम काम करते हैं मंडी के अंदर जराई का अनाज मंडी में, तो बोली मैं काम पे आऊंगी, तो लड़का हमारा तो वो तो बहुत बहुत पहले वाले जा रही थी, बस इसके के लिए अपने करके वो बातें इसने, हम कहते भी तू हमारे पास सोया करी दरिन कमरे में, तू उस लड़के के पास क्यों जाकर सोई, बस वो अपने कनेक्शन भिड़कर अपने लड़के को हमारे घर से लेगी, फिर वो हमारे से ना बात कर दी ना कुछ, काबू कर लिया लड़का हमारा उसको। कौन है लेडीज, कौन है वो? वो लेडीज पूजा नाम उसका। क्या लगती है रिश्ते में, क्या लगती है वो रिश्ते में? पूरे नारेक में वो मेरी साड़ी है ना या इसके छोरे के आ रही थी पहले, वो गुजर गया फांसी खा गया वो भी पहले वाला। हाँ पहले भी फांसी खाई थी पहले वाले को। क्या साल हो गए तेरे छोरे ने? 12-13 साल हो गए, 10 साल किसी और करेगा ये उसको छोड़ा ही, फिर तीसरा वाला मारा पकड़ा इसको। हाँ ये तीसरे के जा रही है अब ना हमारी लड़की के पास 5 बजे, पड़ोसी का वहां है जब हमने सूचना लगी है। वहां जाके देखा क्या? हमने तो ये देखा जिस तरह भी पैर धरती में उसके टिक रहे, एनू खाटों पर हाथ धरे उसके दोनों, धरती में पैर उसके खाट के ऊपर बैठा जनू, इस तरह सूचना मिली है। ये नुकर डॉक्टर ने तारा है, किसने तारा, हमने नहीं बेरा मारा गए तो कच्चे बिल्कुल कच्चे में, कोई कपड़ा नहीं, कच्चा तन पर था उसके, है ना। बार बंद होगा, मैं लानू वाली में तो काम पर जा रही थी, वो कह रहे थे मेरा साढ़े काम पर जा रही थी, मिली थी अब ना ही। हाँ जी, ये तो माय में मास मास बैठी हुई थी, कोई बात नहीं हुई, चौकी में छोड़ दिया इसको तो। देखो जी, हमने तो इंसाफ मिलना चाहिए जी, हम इंसाफ लेकर आवेंगे जी, हमारा कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी है, बड़े बड़े आदमी की सुनाई हो जाए, गरीबों की भी सुनाई होनी चाहिए, हम तय करो जी, तय करो जी, आप तहकीकात करो जी, जो हमारे में कसूर होता हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कसूर है ना तो उसने सजा मिलनी पूरा, हमने पता नहीं क्या करता था क्या नहीं करता था। देखो जी, हमने इंसाफ मिलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। नाम बताओ जी। मेरा नाम मंजू है जी, मेरा भाई है जी, वो इसके यानी हत्या करी है जी, बैठा हुआ था खाट के ऊपर, कोई आँख निकली ना बाथरूम, जो फांसी खाएगा नहीं तो उसकी आँख भी निकलेंगी जी। हाँ जी, आज सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली डायल 112 के तहत कि एक व्यक्ति ने बैंक नालू फैक्ट्री के पास फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब मौके पर पुलिस पहुंची है और जब देखा कि एक व्यक्ति एक चुन्नी के फंदे लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रखी है, और हमने फॉरेंसिक टीम भी बुलाया है, डॉक्टरों की टीम बुलाई और उनके वारसान को टेलीफोन करके उनको तलब किया और उनके बयान लिखे हैं, और माँ बाप को तो करीब 1 साल हो गया उनके पास मिले हुए। उसके मृतक का नाम है बादल, पुत्र सत्यवान, वासी आसी। अभी इसके माँ बाप इसके साथ बैठे हैं, उनसे बयान ले लो आप। हमने जो बयान लिखे हैं अपने ये कार्रवाई अल सी
कांता देवी कर रही है और अब बाद पोस्टमार्टम जैसे निकल जाओगा हम कार्रवाई अमल में लेंगे। तफ्तीश जारी है, अब तो बता नहीं सकते अभी कि मृत्यु कैसे हिसाब से हुई। बात की तरह कहते हैं जी कोर्टों से कागज बनवाए, परंतु ये जो है भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिले नहीं, भाई हम बता दें शादीशुदा है या तलाकशुदा है या क्या, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के बारे में बता सकते हैं। ठीक ठीक।